हेलो एवरीवन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला नाश्ते की रेसिपी जब हमारे पास सुबह में टाइम कम होता है और जल्दी में होते हैं नाश्ता बनाना होता है तो इस वक्त हम इसे बना सकते हैं क्योंकि आसानी के साथ बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं तो आइए ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिया इसे बनाने के लिए मैंने एक लौकी ले लिया है और ये मैंने साढ़े तीन सौ ग्राम की लौकी लिया हुआ है और इसका सबसे पहले छिलका निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका निकाल लिया है और अब इसका जो साइड का हिस्सा होता है ये सख्त वाला इसे हमें कट कर लेना है तो दोनों साइड का ये हिस्सा हमें कट कर लेना है और उसके बाद हमें इसे टुकड़ों में कर लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे तीन टुकड़ों में काट लिया है तो सबसे पहले इसे हम धो लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और मैंने इसे नरम वाली लौकी लिया हुआ है एकदम सख्त वाली नाली जिसमें बीज जो है वो पक जाते हैं उस तरह का नाले अब लिया मैंने यहाँ पर एक बॉल और उसमें इसे कद्दूकश कर लेना है तो यहाँ पर लिया एक ग्रेटर और ग्रेटर का मोटा साइड वाला हिस्से के साथ ही इसे हमें कश करना है तो यहाँ पर मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और इसे पूरा नहीं ग्रेट करना है जो बीच वाला हिस्सा होता है ये मोटा पार्ट सख्त होता है वो हमें निकाल लेना है तो ये देखिए नरम वाला जितना भी पार्ट था उतना मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है तो यहाँ पर मैंने पूरी लौकी जो है वो ग्रेट कर लिया है तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बच गया है तो इसे हमें फेंकना नहीं है बल्कि इसका कट करके हम पकौड़े बना सकते हैं और अभी इसमें डाल देना है कश किया हुआ अदरक वन टी स्पून मैंने डाल दिया है और कुटी हुई लाल मिर्च वन टी स्पून डाल दिया है और चाट मसाला वन टी स्पून इसमें डाल देना है और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया हुआ जीरा पाउडर, है ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून डाल देते हैं और काली मिर्च का पाउडर वन फोर टी स्पून डाल देना है और ये मैंने प्याज ले लिया है तो यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसे आ, कट कर लिया वो डाल देते हैं और दही डाल देना है दही हमें आ, चार से पाँच टेबल स्पून डालना है साथ ही नमक डाल दिया मैंने और अब यहाँ पर डालना है चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को भिगा कर पीस कर इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप चावल का आटा जो है इसमें डाल दिया है हाफ हाफ कप करके मैंने दो कप डाला है तो मेरा एक कप जो है चावल का आटा हो गया अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है और उसके बाद इसमें पानी डालना है और पानी कर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जो हमें एक बैटर तैयार कर लेना है तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है जो कि बहुत ज्यादा रनी नहीं है ये मीडियम सा ही होना चाहिए इस तरीके से तो अब इसे एक तड़का दे देते हैं तो उसके लिए मैंने एक तड़का पेन ले लिया है और उसमें हमें तेल डाल देना है तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और अब हमें तेल को गर्म होने देना है तेल गर्म हो चुका है तो वन फोर टी स्पून इसमें हींग डाल देते हैं और थोड़ा सा हिंग का कलर चेंज होने देते हैं उसके बाद वन टी स्पून इसमें राई डाल देते हैं और राई को थोड़ा सा तड़क जाने देते हैं और उसके बाद इसमें डालते हैं ज़ीरा वन टी आधा टी स्पून ज़ीरा डाल देते हैं और ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो उसके बाद इसमें आठ दस जो है वो कड़ी के पत्ते डाल देते हैं तो यहाँ पर तड़का जो है हमारा ब्राउन कलर का हो चुका है तो अब इसे इस बैटर में डाल देते हैं ये देखिए बढ़िया सा इस तड़के से बहुत मज़े का ये नाश्ता लगता है अब इसमें डाल दिया मैंने ये हरी धनिया काट के डाल देते हैं अच्छा फ्लेवर आता है और इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब इसे सॉफ़्ट और मुलायम बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं सोडा तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा ले लिया है आप बेकिंग पाउडर या एनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे भी मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है बैटर हमारा एकदम तैयार है तो अब लिया मैंने यहाँ पर एक तवा तवा हमारा गर्म है तो उस पर डाल देते हैं थोड़ा सा तेल वन टेबल स्पून तेल डाल देते हैं और इसे तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं तो बस इसे यहाँ मैंने ग्रीस कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने ये बैटर डाल देना है तो आपको जितना भी इसे बड़ा बनाना चाहिए उस तरीके से यहाँ पर बैटर डाल दीजिए और थोड़ा सा इसे अच्छे से गोलाई में फैला लेते हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा जो है इसे थिक भी नहीं रखना है ताकि आसानी के साथ पक जाए आप फ्लेम को जो है वो स्लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हमारी अंदर तक जो है ये नाश्ता पक जाए तो ये देखिए एक साइड से ये हमारा पक चुका है तो इस पर डाल देते हैं तेल थोड़ा सा ऊपर से और इसे एहतियात से पलट लेते हैं तो ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये पलट गया है और अब कितना अच्छा कलर ये आ चुका है इस पर तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से अच्छे से सेक लेना है तो ये देखिए अगर मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊं तो ये देखिए बढ़िया सा दोनों साइड अच्छा सा कलर आ चुका है ये पक चुका है तो ये निकाल लेते हैं इसी तरीके से सारा हमें पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने और भी बनाकर सर्व कर लिया है और इसे मैंने सर्व किया चटनी के साथ खोपरे के क्योंकि खोपरे की चटनी के, के साथ बहुत मज़े का लगता है आप दही के साथ या अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट सा हमारा ये नाश्ता जो है वो बनकर तैयार होता है अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करें मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग